चीज सुन के जाओ, वरना चले जाओगे पछताओगे। एक बार ज्यादा दूर नहीं, मैं जब सरकारी अस्पताल पहुंचा, मिश्रा जी सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां मैंने देखा, क्या देखा, एक जगह लिखा था, कई सूचनाएं लिखी थी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, और मैंने वहां देखा क्या, एक बार मिला मौका तो मैं गया पोरबंदर, एक बार मिला मौका तो मैं गया पोरबंदर, तब गांधी धाम से लाया गांधी के तीन बंदर। समझते रहिए भैया, कलयुग में वो बंदर आते आते गायब हो गए, और इसका मेन कारण क्या है भैया जी, क्या आखिर वो बंदर क्यों गायब हो गए, क्यों गायब हुए, क्योंकि उन बंदरों को, तीनों बंदरों को मिला के एक बंदर बन गया, जैसे मैं फोन चलाता हूँ तो ना मैं किसी की सुनता हूँ, ना मैं किसी की तरफ देखता हूँ, और ना मैं बोलता हूँ। क्योंकि गांधी जी के तीनों बंदर के क्या काम थे, न देखना, न गलत चीज सुनना, न बोलना, बिल्कुल वो तो तुम पर, या न सुनना, न किसी की किसी को देखना, न ही बोलना, सिर्फ जुटे रहना। गीत तो गा रहे कि हमको स्वर भी नहीं पता चल रहा है कि कहां ऊपर हम गा रहे हैं, कहां नीचे गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आधा मिनट बचा है। एक बार मिला मौका तो मैं गया पोरबंदर, तब गांधी धाम से लाया गांधी के तीन बंदर। वो कैसे हैं? कैसे मुख भी नहीं खोलता है ना, ना, ना। पर मैंने देखा क्या? जब मैं सरकारी अस्पताल गया तो बंदर तो बंद हो गए, अरे बंदर तो बंद हो गए, अरे किसको क्या पता, गांधी का चश्मा रह गया, गांधी का चश्मा रह गया, गांधी जी लापता। उस दीवार में सिर्फ चश्मा हमको मिला, और एक चश्मे में लिखा स्वच्छ, एक में लिखा भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश शाबाश। सिर्फ चश्मा ही वहां तो आपको मिलेगा, एक में लिखा है स्वच्छ, एक में लिखा है भारत। बिल्कुल, तो गांधी का चश्मा रह गया, जो सम्मानित दादा निर्णायक मंडल में विराजमान हैं, उनसे निवेदन है, आपने बार बार कहा है कि समय 30 मिनट 35 मिनट होने चाहिए, लेकिन जब भी कीर्तन का कार्यक्रम होता है तो कीर्तन गाना केवल गाना नहीं है, जब तक उसको सार को समझाया ना जाए तो कीर्तन कुछ ही मतलब का नहीं है, और जब वो
समझाया जाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्या चक्र सुना है अभी आप लोगों ने भैया सचदेवा के ओर से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया तमाम बातें। हालांकि बातों का समय नहीं है, लेकिन छोटा छोटा आपने जो जो कहा है, आपने कहा है कि बहन जी मुझको शंका है, जनक जी का नाम ऐसे नहीं पड़ा है। पहले सचदेवा जी फिर कह रही हूँ कि इस गीत को समझा करिए, क्योंकि शेर और शायरी पढ़ना कीर्तन नहीं है। ये नहीं कहती कि आपके अच्छे नहीं लगते, बढ़िया है, पढ़िए, बहुत बढ़िया, लेकिन कीर्तन जवाबी कीर्तन में जवाब का विशेष महत्व है। जब जवाब का विशेष महत्व है उस पर गौर करिए। बिल्कुल, मैंने कहा है कि नाम से अपने नाम सुता का जोड़ लिया, जनक हुए तो वो जानकी कहलाई, मिथिलापति हुए तो मैथिली कहलाई। नाम से जोड़ना केवल जानकी नहीं है, बिल्कुल किसकी पुत्री है इसकी, ये भी नाम जोड़ना है। आप बार बार बहन जी ये नहीं समझ पाए का खागा ये लगा है वो लगा है, कम से कम आप बड़े हो रहे हैं, अच्छे अच्छे मंच अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ गंभीरता लाइए अपने अंदर, क्योंकि कीर्तन गंभीर बनने का एक बड़ा व्यक्तित्व होता है, बड़ी अपनी भूमिका होती है। बार बार आप अपना गाना पढ़ रहे हैं, ये कहा है वो कहा है, उसमें समय जाता है। मैंने एक गीत पढ़ा है दादाजी, और जब मैं आ रही तो यहाँ पर मुझे एक कस्बा कहूँ क्या कहूँ जिला कहूँ जो भी हो, जिला है अच्छा, मैंने सुना सीतापुर। वो जब सीतापुर नाम सुना तो मैंने माता सीता से संबंधित गीत गाया है, क्या बात है, और मेरे पूरे गीत में सीता से जन्म हुआ है, पूरे गीत में सीता वही भूमि में समा गई। और क्या, ये जोड़ लिया ये तोड़ दिया, लेकिन मेरी किसी भी पंक्ति में सीता नहीं छूट रही है। लेकिन जवाब आप लोगों ने सुना है, कहीं कोई जुड़ रहे हैं तो कहीं कोई जुड़ रहे हैं। बियावान में मुझको अकेला छोड़ दिया, फिर वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझको अकेला छोड़ दिया, यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं कि मुझको अकेला छोड़ दिया, जबकि खुद हनुमान जी महाराज ग्यारहवें रुद्र के अवतार हैं, वो भली भांति जानते हैं कि प्रभु का कार्य अब संपन्न हो गया, अपने धाम को जाना चाहिए। और क्या कहना है, लेकिन सचदेवा जी बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, अच्छी बात है, करिए, क्योंकि मैं नहीं तोकूंगी। बिल्कुल, लड़का बड़ा हो रहा है। आप मेरी एक पंक्ति को समझ लेते और केवल एक ही पंक्ति जवाब में लिख देते तो आपका जवाब सार्थक था। हमारे नीचे वाले भैया कह रहे हैं जवाब जवाब जो देते हैं सवाल ही कभी उसको स्वीकार करते ही नहीं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। दादाजी सुनिएगा, हेलो हेलो, मात्र एक पंक्ति कि काल कड़े पर नृप ने खड़े हो, कड़े खड़े को फोड़ दिया। समझिए इसको, समझिए दादाजी, काल कड़े पर नृप ने खड़े का खागा गड़े घड़े को फोड़ दिया, क्योंकि आप हमको बहुत शिक्षा दे रहे थे, सोचा आपकी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन आप बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया,
गीत आया है आपका, कट पीस आया है, चश्मा लापता, गांधी जी लापता है, चश्मा रह गया, आप ये भी नहीं समझ पाए कि वो लापता नहीं है, वो परम धाम को चले गए हैं। लापता उसको कहते हैं जिसका कोई पता ही नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि गांधी जी, लेकिन आपका तुकान थे। जैसा सवाल वैसा जवाब होगा। अब इनको पता नहीं है गांधी जी गए कहाँ हैं। दादाजी मेरे में 3 बजे में 10 मिनट कम है, और हो सकता है इधर उधर हो जाता है। आपने कहा है गांधी जी लापता, लेकिन आप लोगों ने एक का सिक्का देखा होगा। जब एक का सिक्का देखा तो जो पहले का सिक्का था उसमें बालियां आती थी, गेहूं की बालियां जो प्रतीक थी हरियाली की। लेकिन जो आज का सिक्का आ रहा है उसमें होता क्या? जो कुछ नया सिक्का चला तो उसमें ऐसा बन के आने लगा। तो कहना पड़ा
सुंदर से खंड गीत का हम बच्चों की तरफ से प्रयास आइए।